धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, जी हाँ, यह देश का सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्कूल है जिसे मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी संचालित करती हैं। इस स्कूल का वार्षिक उत्सव शुक्रवार को मनाया गया जिसमें बॉलीवुड सितारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि कई बॉलीवुड स्टार्स के बेटे तथा बेटियाँ यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और यह देश का सबसे महंगा स्कूल होने के नाते आम व्यक्ति तो यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स की पहली पसंद अपने बच्चों के लिए यही स्कूल है। इस स्कूल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर एडमिशन फीस के रूप में ही करीब 30 लाख रुपए लिए जाते हैं और इसके अलावा सालाना फीस का जो खर्च है वो तकरीबन 5 लाख रुपये है। इसके अलावा विभिन्न खर्च अलग हैं जिन्हें उठाना किसी स्टार्स के लिए ही संभव है और यही वजह है कि यहाँ पर कई बड़े स्टार्स के बेटे तथा बेटी पढ़ते हैं। अभिषेक बच्चन यहाँ पर अपनी भांजी नव्या नवेली नंदा और अभिनेत्री पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ इस कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद रहे। असल में अभिषेक और ऐश्वर्या की लाडली बेटी आराध्या इसी स्कूल की छात्र है। मॉम ऐश्वर्या के साथ आराध्या भी बेहद अलग अंदाज में नजर आई। शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम भी इसी स्कूल के विद्यार्थी हैं और अबराम को लेकर उनकी माँ यानी शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान भी स्कूल आई। इसके अलावा अभिनेत्री रवीना टंडन भी अपनी बेटी के साथ इस कार्यक्रम में पहुंची, उनकी बेटी भी यहाँ पर पढ़ती हैं। फराह खान भी इस अवसर पर मौजूद रहीं। फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा, विधु दारा सिंह और इसके अलावा सोहेल खान भी अपने बेटे के इस स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे। तो कुल मिलाकर यह स्कूल और इसका वार्षिक उत्सव बेहद चर्चा का विषय रहा क्योंकि यहाँ पर मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनका बेटा आकाश, बेटी ईशा और दामाद आनंद पिरामल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।